कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि इससे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी की सोच का पता चलता है। बैठक में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल भी शामिल हुई। क्या कुछ कहा रजनी पाटिल ने, सुनिए। साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, देखा जाए तो लंबे समय बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, वो कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा? कोरोना की वजह से बहुत दो सालों से कुछ मीटिंग नहीं हो पाई थी। प्रत्यक्ष रूप में वर्चुअल मीटिंग हुई थी 10 मई को लास्ट। तो मुद्दे जो इम्पोर्टेंट थे, वो मुद्दों में एक मुद्दा था, एक तो यहाँ की जो बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं, और हाथरस की घटना है, लखीमपुर की घटना है, बहुत सारे किसानों के 3 काले कानून हैं। सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, और उसके साथ साथ संगठनात्मक चुनाव जो है उसके लिए भी चर्चा हुई। संगठनात्मक चुनाव हमारे नवम्बर से शुरू होगी, उसकी प्रक्रिया 22 में हमारे चुनाव हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव भी पेश किया गया, किसकी तरफ से पेश किया गया और लोगों का रिएक्शन? नहीं, ऐसा प्रस्ताव किसी ने स्पेसिफिक किसने पेश नहीं किया। सबने अपनी जो मनोकामना है, सबकी इच्छा यही है कि वो अध्यक्ष बने, तो लीडर तो वो है ही। हमने यही बोला कि उनको अध्यक्ष बनने के लिए मतलब वोट मांगने की जरूरत नहीं, ही इज अवर लीडर। देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।